किसान आंदोलन के बीच राकेश टिकैत ने खुद के जेल जाने की भविष्यवाणी कर नया दांव खेल दिया है। पहले तो राकेश टिकैत ने सरकार को 40 लाख ट्रैक्टरों से संसद का घेराव करने की धमकी दी और फिर खुद के जेल जाने की भविष्यवाणी कर डाली, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस बार भी किसान संगठन दिल्ली में कोई नया तमाशा तो नहीं करने वाले। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में 26 जनवरी को इन कथाकथित किसानों ने जो कुछ किया वो सबके रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दिल्ली को दहला देने वाली इतनी बड़ी वारदात से भी इन किसान नेताओं का मन नहीं भरा और फिर से दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने की धमकी देने लगे। जी हां, इस बार किसानों के मसीहा बन रहे राकेश टिकैत ने सरकार को 40 लाख ट्रैक्टरों से संसद का घेराव करने की धमकी दे डाली और खुद के जेल जाने की भविष्यवाणी तक की। राकेश टिकैत ने सरकार को धमकी देते हुए कहा कि कान खोलकर सुन ले दिल्ली, ये किसान वही हैं और ट्रैक्टर भी वही होंगे, लेकिन इस बार आह्वान संसद का होगा। इस बार 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। किसान इंडिया गेट के पास के पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। सुना आपने, ये वही किसान नेता राकेश टिकैत हैं जिन्होंने पहले भी 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकालने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने सरकार की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और दिल्ली में अशांति फैलाई। इस बार फिर ट्रैक्टर मार्च से संसद का घेराव करने की हुड़कियां दे रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन जनाब ने खुद को 12 से 13 साल तक की जेल होने की भविष्यवाणी भी की है, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा। क्या इस बार भी ये किसान नेता दिल्ली में अशांति फैलाने की रणनीति तो नहीं बना रहे, क्योंकि पिछले बार 26 जनवरी को सब कुछ होने के बावजूद भी इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। राकेश टिकैत ने अपनी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि मुझे पता है इसके बाद मुझे 12-13 साल तिहाड़ जेल में रहना, लेकिन कम से कम किसान तो आजाद होंगे, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुकदमा लगेगा तो हमें जेल में रहना होगा, यही कानून है। वैसे भी 26 जनवरी पर हुए बवाल को लेकर राकेश टिकैत की उनके ही नेता पोल खोल चुके हैं। वीएम सिंह ने उन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हट धर्मिता और नेतागिरी चमकाने के चक्कर में मौजूदा आंदोलन कमजोर हो रहा है। टिकैत ने ही ट्रैक्टर रैली को गाजीपुर से दिल्ली की ओर मोड़ा, अब उनका क्या, लेकिन भुगतना तो उन गांव वालों को पड़ रहा है जिनके अब हिंसा में नाम आ रहे हैं। जितना ये किसान आंदोलन ढीला पड़ता जा रहा है उतने ही किसान नेता बौखला रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने के साथ साथ सरकार को नई नई धमकियां दे रहे हैं। किसान आंदोलन कमजोर होने और किसानों के घर वापस लौटने से किसान नेता बुरी तरह बौखला गए हैं, एक दूसरे पर ही अभी आंदोलन कमजोर होने का ठीकरा फोड़ रहे हैं। वहीं अब बौखलाए राकेश टिकैत ने तो इस बार सरकार को फिर से ट्रैक्टर मार्च के जरिए संसद का घेराव करने की धमकी दी और खुद के जेल जाने की भविष्यवाणी तक कर डाली, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं इस बार भी दिल्ली में अशांति फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।